हेलो गाइस, तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी वीडियो। चलिए गाइस, तो तैयार होते हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैंने अपने मेकअप का पिटारा ले लिया जिसमें से इतना सामान भरा कि वो गिर गिर के जा रहा है। चलो अवॉइड करते हैं इस बात को। तो सबसे पहले मैंने यूज किया है गार्नियर का फेस सीरम। सबसे पहले मैं फेस पे ये अप्लाई करती हूँ और मैं सबसे ज्यादा इस बात को ध्यान में रखती हूँ कि जितना हो सके मैं फाउंडेशन और कंसीलर को कम ही लगाऊं। इसका रीजन ये है क्योंकि फाउंडेशन से जो होता है आपका फेस खराब होने लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, अगर किसी के साथ नहीं है तो वो यूज़ कर सकता है, पर मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मिला। और आप देख सकते हैं कितना शाइन करता है आप ये लगाने के बाद। और उसके बाद सबसे पहले आप इजीली और नेक पे भी इसे अप्लाई कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको लेनी है सीरम क्रीम गार्नियर की ही। ये क्रीम जो होती है जेल बेस में होती है, जो क्रीम बेस में होती है वो क्रीम की तरह होती है वाइट कलर की, पर ये जेल बेस में होती है और दिखती भी नहीं है खास कि मुँह पे आपने क्रीम भी कोई लगाई है। फिर उसके बाद आपने इसे अप्लाई कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, ये भी बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगा भी रखा है फेस पे, शाइन ही करेगा आपका फेस। उसके बाद मैंने लैक्मे का जो है आई शेडो पैलेट लिया है। मैं ब्रश ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने फिंगर की टिप्स से ही इसको आईज़ पे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने मैचिंग जो इसकी की है वो अपने ब्लाउज के साथ की है, गोल्डन कलर का जो मैंने अप्लाई किया है। ये देखिए कितना अच्छा है ये भी। और हाँ गाइस, अगर किसी को भी ये प्रोडक्ट बाय करने हो तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताना और मैं इस प्रोडक्ट का जो है लिंक आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने लैक्मे का ही जेल बेस्ड आईलाइनर यूज किया है और ये इतना टाइट हो गया था कि खुल ही नहीं रहा था, इतना एयर इसमें चला गया था। फिर मैंने बड़ी मुशक्कत के बाद जो है डायरेक्ट आई जो है अप्लाई कर लिया अपना आईलाइनर। देखिए कितना प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने लैक्मे का ही काजल लिया है। उसके बाद मैंने मेबलिन का जो क्लोसल काजल का मस्कारा यूज किया है, बहुत ही अच्छा है, आप इसे जरूर बाय करेगा मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई की, अपनी बिंदी लगाई। और हाँ, आप भी मुझे बताएगा जितने भी लेडीज हैं कि आपको लगता है कि आप जितना मर्जी चाहे मेकअप कर लें, अगर आपने बिंदी ना लगाई हो तो वो पूरा ग्रेस चेहरे पे आता ही नहीं है और एक बिंदी से इतना ज्यादा चेहरा खिलखिलाने लग जाता है कि पूछे। और लास्ट में जो मैंने यूज किया पिक्सी का ब्लश, मुझे तो इस ब्लश से ना प्यार ही हो गया। और मेरे बच्चे कुछ चीज रहने ही नहीं देते, उन्होंने इसे तोड़ ही दिया है, इतना महंगा ब्लश और उसकी ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, पर फिर भी मैंने इसको बड़े प्यार से संभाल के रखा हुआ है। और आपको क्या करना है, अपनी चीक्स पे अप्लाई करना है। इसमें स्मेल तो कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल सिंपल सा ये। पर इसकी जो है ब्लश की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपको चीक्स पे लगाना है और आपको इसको नेक थोड़ा सा नोज पे लगाना है तो इतना, और अपने आप इसे फिंगर टिप से अप्लाई कर लेना है, बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है इजिली। और लास्ट में देखिएगा कि क्या लुकिंग आई है, बहुत अच्छा। पहले तो इस टाइम तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बांधी सी बन गई है ज्यादा सा लगा के, पर लास्ट में देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, नेचुरल सा ये ब्लश। ये देखिए, और लास्ट फाइनल लुक जो है ये है मेरी।